हाँ अभी कुछ टाइम पहले बिग बॉस हाउस में सीन हुआ था, विशाल को थप्पड़ पड़े थे राइट, सो उस पे स्टेटमेंट देते हुए नजर आए कटारिया कि इस पे अदनान स्टेटमेंट देते हुए नजर आए कि कटारिया ने जो हाँ बोलकर गलत बोला, दोस्ती नहीं निभाया ना, दोस्ती नहीं निभाया। तो ये जानना चाहते हैं कि दोस्ती मतलब वो लायक है कि नहीं। तो मैं सच बोलूँ ना तो कटारिया देखो दोस्ती निभाने लायक नहीं है, क्योंकि वो शो में बोलते फिर रहा है कि मैं हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, एल्विस और कटारिया दोनों बेस्ट फ्रेंड है, दोनों दोस्त हैं। तो जहाँ तक का है दोस्त यार स्टैंड लेता है अपने दोस्त का, तो यहाँ पे तो सबको दिखा कि विशाल के लिए वो खड़ा नहीं रहा। और मैं सच बोलूँ ना तो मुझे ना कटारिया की दोस्ती ना फेक लगती है और एल्विस की मतलब रियल लगती है, क्योंकि कभी भी कटारिया के साथ कुछ होता है तो एल्विस सपोर्ट करता है, एल्विस के साथ होता है तो सपोर्ट नहीं किया। बात करें अदनान की तो अदनान और एल्विश की बाहर जिस तरीके से फाइट ऑडियंस को पता है, क्या लगता है कि वो अदनान और कटारिया में फ्रेंडशिप होगी कि दुश्मनी, क्या ही जंग छिड़ेगा? देखो जब बाहर तो बाहर ऑलरेडी दुश्मनी चल रही थी तो मुझे नहीं लगता कि अंदर दोस्ती होगी, और अदनान को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तो मुझे मालूम है कि दोस्ती तो नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे सब गेम खेलने गए हैं और सब गेम जीतने भी गए हैं तो वहाँ पे तो दोस्ती कोई नहीं निभाएगा। जिस तरीके से अदनान की एंट्री हुई कि एल्विस के अपने ब्लॉग में भी बोला कि चूड़ी नहीं आया, चूड़ी की बातों पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, तो क्या लगता है कि बिग बॉस हाउस में कटारिया और अदनान का इस बातों पे लेके जंग छिड़ता हुआ नजर आएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अंदर तो मालूम नहीं होगा ना कि एल्विस बोला कि नहीं बोला चूड़ी के लिए, बट देखो अगर उसको याद आ गया है कि चूड़ी मतलब, अभी मैं सुबह से बहुत ये चीज़ इस चीज़ को लेके बहुत जगह मैं बता चुका हूँ, रिप्लाई दे चुका हूँ, तो आपको भी मैं बता देता हूँ। तो एल्विस को अभी ये याद आ चुका है, आप भी बोल रहे हो जैसे कि चूड़ी की बात कर रहे हैं वो, तो देखो इतने टाइम पहले अदनान बोला था चूड़ी से रिलेटेड, तब तो कुछ रिप्लाई नहीं दिया, अभी अगर वो रिप्लाई दे रहा है देखो, क्योंकि शेयर अभी घर में गया तो अभी वो रिप्लाई देने के लिए है नहीं, तो उसका रिप्लाई तो मैं दे देता हूँ। तो भाई देख टेंशन मत ले, अगर तुझे चूड़ी अभी याद आई है और तेरे तक नहीं पहुंची है तो मुझे एड्रेस भेज दे मुंबई का, मैं अगर चाहिए कभी भी एड्रेस किसी से मांगना तो एड्रेस मांग लेना, एड्रेस पे मैं चूड़ी भिजा देता हूँ, और जो कलर चाहिए वो भी बता देना, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि रेड कलर ज़्यादा बेटर लगेगी। वही हाल ही में अदनान का एक फुटेज वायरल हो रहा है, आज ही के दिन हमने देखा, पहले चक्कर से लेके कई ऐसी तमाम सोशल मीडिया पे चढ़ी हुई है कि कहीं बाइक से उन्हें पब्लिक यू नो हाथापाई होते हुए नजर आ रहा है, आपने देखा आज वो वीडियो? वो तो बहुत टाइम पहले का है, वो उसमें मैं भी था, वो वीडियो में आज 7 साल पहले का है जब हम लोग, आज ही वायरल भी हो रही है, अभी आज भी नोटिस कर रहे हैं, तो क्या सीन था? देखो अभी पॉजिटिव भी चलेगा नेगेटिव भी चलेगा, 10 साल पुराने भी चिट्ठे निकलेंगे, 10 साल पुरानी भी वीडियो निकलेगी, बट वो वीडियो ऐसी है, वो वीडियो में मतलब दिख रहा है मैं भी बैठा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ और अदनान पीछे बैठा है, और उसमें मजमा कितना है पता है? 50,000 का है, और हम लोग दो लोग ने 50,000 से मतलब मुँह मारी कर लिए थे, हम लोग को मालूम नहीं था कि इतने लोग वहाँ पे हैं, बाद में मालूम पड़ा तो कैसा कैसा हम लोग कहीं ना कहीं अदनान घर वालों में भारी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं, आपका कहने का यही है। हाँ घर वालों में भारी पड़ने वाला है, प्लस अभी तक का मुझे ना शो में मजा नहीं आ रहा था, बट अब मुझे लग रहा है ना कि अब बिग बॉस में मजा आएगा, अब लोग ना अपना गेम खेलेंगे, क्योंकि रियल पर्सनालिटी की किस कुछ कुछ लोगों की दिख रही थी, और उसमें कुछ कुछ लोग भी मतलब अगर कोई कुछ बोल दे रहा तो लोग चुप हो जा रहे थे, मगर अपना भाई कह रहे तो अभी बाकी लोग को भी मतलब खुलने का टाइम मिलेगा तो मजा आएगा देखने में। तो लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अदनान के सपोर्ट में? आप अदनान के सपोर्ट में यही बोलना चाहूँगा कि जो भी अदनान को देख रहा है और अदनान को चाहता है, अदनान को सपोर्ट करने वाले आईडी लवर जितने भी है, यही टाइम है अपना पावर दिखाने का, तो रेडी हो जाओ गाइस, आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट यही टाइम है देख लेगा। थैंक यू, वेलकम।